हेलो गाइस, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम टू से हेलो टू फिटनेस। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल क्विक स्नैक लेके आई हूँ, विच इज़ पनीर कबाब। एंड ये जस्ट 5 to 7 मिनट्स के अंडर हम लोग बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद अवर रेसिपी। और ये रहे मेरे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने 2 ब्राउन ब्रेड यूज़ की हुई है। आप यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 60 ग्राम्स ऑफ पनीर यूज़ किया हुआ है। स्पाइसेस में है मेरे पास ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर, जीरे का पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और थोड़ा सा टर्मरिक, हल्दी। सो स्टार्ट करने के लिए हम पहले पनीर लेंगे और एक ग्रेटर लेंगे, उसको हम लोग कद्दूकस करेंगे। आप यहाँ पे पनीर के रिप्लेसमेंट में टोफू भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अगेन वेरी गुड ऑप्शन। Oops, it always happens. मैं यहाँ पे स्मॉल ग्रेटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज उसे पनीर बहुत अच्छे से ग्रेट होता है। एंड सॉरी फॉर सच लो वॉइस, मेरा गला फिर से बैठ गया है। तो पनीर को ग्रेट करने के बाद मैं इसमें सिंपली अपने स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। आप इसमें थोड़े से चॉप कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करना, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। एंड गिव इट अ प्रॉपर मिक्स। और ये हमारी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। आप ही देखिए बहुत क्विकली हो रहा है ये। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्लाइस लूँगी, उसको मैं साइड से कट कर दूँगी, उसके हार्ड पीसेस जो हैं। आप ये साइड पीसेस ब्रेड क्रम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़, डोंट थ्रो इट आउट। इतनी क्वांटिटी से आप 7 पीसेस बना सकते हो। और ऐसे ही आपको दूसरे ब्रेड के भी साइड पीसेस कट कर देने हैं। मैंने ये डिश को पनीर कबाब नेम इसलिए दिया है बिकॉज बन जाने के बाद ये एक्चुअली कबाब की तरह दिखता है एंड इट टेस्ट रियली रियली गुड। यू कैन नेम इट पनीर रोल एज वेल। सो यहाँ पे मैंने दूसरे ब्रेड के भी साइड पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हम एक ब्रेड लेंगे और एक रोलिंग पिन लेंगे। अभी हम इसको रोल करेंगे और इसको बिल्कुल फ्लैट बना देंगे। जितना ज़्यादा ये फ्लैट होगा उतना अच्छे से रोल होगा। मेक श्योर उसके साइड्स भी अच्छे से फ्लैट हो जाएं। एंड यस, वन मोर थिंग, कट करने के टाइम उसके साइड पार्ट्स इवनली कट करना। मैंने यहाँ पे इवनली कट नहीं किया था तो मुझे रोल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो ऐसे ही करके हम दोनों ब्रेड को फ्लैट कर देंगे। एंड नाउ वी विल डू अवर स्टफिंग। स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, डेट वुड बी इनफ। उसको मैं एक साइड से रख दूँगी, उसको फैला नहीं दूँगी। अगर आप इसमें टर्मरिक ऐड नहीं करोगे तो ये बिल्कुल चीज़ जैसे दिखेगा। एंड येस, यू गाइस कैन हैव 1 क्यूब ऑफ चीज़ वंस अ वीक, उससे कुछ हार्म नहीं होने वाला। अभी सिंपली हम इसको एक रोल के फॉर्म में रेडी करेंगे। आप जिसको इतना स्मॉल स्मॉल रोल करोगे उतना ज़्यादा ये अच्छा दिखेगा। मैंने स्टार्टिंग में बनाते टाइम बहुत बिग रोल कर दिया था, उसके बाद मैंने स्मॉल स्मॉल रोल करना स्टार्ट किया। अब जो लास्ट पार्ट होगा ब्रेड का, उसमें हम लोग वाटर अप्लाई करेंगे। डोंट कन्फ्यूज इट विथ ऑयल, इट्स वाटर। उसको हमें बिल्कुल सॉफ्ट बना देना है जैसे वो अच्छे से स्टिक हो जाए। मेक श्योर आप इसको अच्छे से फोल्ड कर दो, अदरवाइज बनाने के टाइम वो ओपन हो सकता है तो वो रोल नहीं रहेगा। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन पर्सन तो आप यहाँ पे एग वाइट्स को भी ग्रेट कर सकते हो और वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने दोनों रोल बना दिए हैं। अभी मैं एक तवा लूँगी, उसको मैंने पहले से हीट करने रख दिया था। इसमें मैं ऑयल बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगी। और ये नॉन स्टिक पैन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल पैन है तो कोई भी बना सकता है ऐसे विदाउट ऑयल। जैसे कि मैंने उसको हाई फ्लेम पे ऑलरेडी हीट करने रख दिया था तो ये जल्दी से कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। सी, यहाँ पे प्रॉपरली स्टिक ना होने से वो ओपन होना स्टार्ट होगा। और जैसे कि हमने इसमें ऑयल अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप इसके साइड जल्दी से चेंज करते रहना, अदरवाइज वो स्टिक हो सकता है। और ये स्नैक आप अपने साथ टिफ़िन बॉक्स में कैरी कर सकते हो व्हेन यू आर इन हरी, तो बहुत ही क्विकली बन जाएगा ये। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी 2 टोस्ट की रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी आप विद इन 5 to 7 मंथ्स बना सकते हो। और यहाँ पे मेरी डिश रेडी है। यहाँ पे स्मॉल रोल वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे एज़ कम्पेयर टू बिग रोल वाले। सो डू ट्राई दिस गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।